काम का एक सेकंड गार्ड साहब, एक काम करे हम भी हमला करते हैं, आप भी हमला करो, क्योंकि देखो ये चीज ना, मेरा जो मेरा साला है ना, छोटा भाई मेरा, मतलब जो मेरी वाइफ का छोटा भाई है, उसको थोड़ा सा मतलब उसको अंदेशा तो हो गया कि चीज गलत है। तो एक काम करते हैं, आप नीचे से उठा लो स्टूल, मेरे पास भी पड़े 3-4 स्टूल। हम क्या करेंगे, जैसे वो पीठ पे लेकर आएगा ना लड़की को, अपनी गर्लफ्रेंड को, हम क्या करेंगे स्टूल से हमला कर देंगे उसके ऊपर ताबड़तोड़। क्या मतलब, एक होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, क्या बेटा जो आप काम करोगे वो भी गलत है। बुलेट लेके आ रहा, सीढ़ी लेकर आ रहा है, यहाँ से उठा तू उतर, मेरी कसम, मेरी बात सुन, मेरे ऊपर रिस्क है ये तुम्हारे, इनके ऊपर रिक्स नहीं है, ये रिक्स तुम्हारे ऊपर है, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हें इतना ही नहीं पता है कभी। यार मतलब बाहर पागल है बेटा। नहीं मैं इसलिए बहस नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस चीज को कभी गलत नहीं बोलूंगा। क्योंकि मैं गलत, मेरा ग्रुप बना हुआ है जिसमें 300 बंदे ऐड है, अगर मैं एक मैसेज डालूंगा ना कि मेरे यहाँ पर अपार्टमेंट में एक आदमी अपनी औरत को पीठ पे लेके घूमता है, तो 300 बंदे तुरंत आ जाएंगे उसको लपेटने के लिए। मेरी बात सुन, मेरे घर पे ना वो आया, क्या नाम, मेरा साला आया। अरे बात, मेरी बात सुनो, तेज बोलो यार, तेज बोलने के लिए कह रहा हूँ, तेज। मैं कह रहा हूँ मेरे घर पे मेरा साला आया और मैंने कहानी रची है, तो आपको बना रहा हूँ सोसाइटी का गार्ड। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम हो मेरी सोसाइटी के गार्ड, ठीक है, क्या हो, ठीक है। और मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया हमारे अपार्टमेंट में रात को 2 बजे एक आदमी आता है, तो तुम बोलना हाँ आता है, और अपनी औरत को पीठ पे बिठा के घूमता है, पीठ के ऊपर बिठा के घूमता है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत तगड़ा था इनका, घर में आया साले साहब जो बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर है, जो कि देख नहीं सकते, दिल के बहुत साफ है, छोटा सा मजाक तो बनता ही है। कल क्या हुआ था, तो ये बता, कल क्या हुआ था, ये तो खुद बता, कल चल के क्या हुआ था, है ना, अब मैं फोन कर रहा हूँ, चुप रहिए बुढ़े बुढ़े बेटा, प्रूफ होगा ना, हमने कहा प्रूफ रहेगा, चुप रहा चुप रहा, बेल दारे भी देखो। फोन क्यों बता रहा हूँ, गार्ड भैया, एक मिनट गार्ड भैया, मैं ये कह रहा था जो क्या नाम है, कल रात को क्या हुआ हमारे गेट पे ना, जो हमारा फ्लैट नंबर है इस पे, जैसे मैंने आपको सारी बातें शेयर करी, दूसरे वाले गार्ड भैया से सारी बातें शेयर करी, इसमें क्या है कि डेढ़ और 2 बजे के बीच में आता बंदा और सीटियाँ मारता है तेज, और उसके हाथ में लठ होता मोटा सा, तो मतलब ये साथ में लेडीज की आवाज़ भी है, क्या सीन है बताओगे एक बार आप, किसको कंधे पे लेके घूम रहा है, नहीं मैं समझा नहीं, लेडीज को कंधे पे लेके घूमता है, कैसे मतलब, कंधे पे बिठाता जैसे वो विक्रम बेताल की तरह, अच्छा समझ गया, पीछे कंधे पे बिठाता है, नहीं एक हमें 1 महीना तो है गार्ड साहब, मैं ये कह रहा हूँ हमें टेंशन नहीं है कि हम क्या छोटे बच्चे हैं, हम बैठ नहीं पाएंगे, अगर आज रात को वो कंधे पे बिठा के अपनी, क्यों उसकी औरत है, उसकी गर्लफ्रेंड है, कौन है वो, अच्छा समझ गया मैटर में क्या चीज है, मतलब एक सेकंड बात, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो ना वो मॉल में लेके जाता लड़की को, मतलब जो उसकी गर्लफ्रेंड है, ना ही उसको पार्क में लेके जाता, सोसाइटी में रात को 1:30 बजे घूमता कंधे पे लटाकर, कंधे में घुमाता विक्रम बेताल की तरह, समझ गया आपकी बात, क्या कह रहे बेटा, क्या चुप रहे, क्या कह रहे हो, अरे देवा बोल रहा है गलत मामला है, नहीं मेरे को ये बताओ, मतलब कंधे पे घुमा लेटा के घूम रहा है, अच्छा परिक्रमा कराता है, अच्छा समझ गया मैं, क्या एक मिनट होल्ड करना, क्या वो बड़े क्या कह रहा, देवा कह रहा मतलब काम सही नहीं है, क्योंकि 1:30 बजे के बाद ही समथिंग ऐसी चीज शुरू होती है, गलत चीजें एक से 1:30 बजे की 1:30 बजे तक शुरू हो जाती है, 1:30 से 3:30 बजे तक रहती है लास्ट, 4 बजे के बाद वो ऐसी चीज कभी दिखती नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं दिखती, 4 बजे के बाद वो हो जाता है ना कुर्बानी वाला टाइम आता है, उसके बाद फिर एक काम करे
हम भी हमला करते हैं, आप भी हमला करो क्योंकि देखो ये चीज ना, मेरा जो मेरा साला है ना, छोटा भाई मेरा, मतलब जो मेरी वाइफ का छोटा भाई है, उसको थोड़ा सा मतलब उसको अंदेशा तो हो गया कि चीज गलत है। तो एक काम करते हैं, आप नीचे से उठा लो स्टूल, मेरे पास भी पड़े 3-4 स्टूल। हम क्या करेंगे, जैसी वो पीठ पीठ पे लेकर आएगा ना लड़की को, अपनी गर्लफ्रेंड को, हम क्या करेंगे, स्टूल से हमला कर देंगे उसके ऊपर ताबड़तोड़। क्या मतलब, एक होल्ड कर रहा है, तब भी गलत है। क्या बेटा, जो आप काम करोगे वो भी गलत है। कैसे कैसे गलत है, अगर आप ये चीज करने की कोशिश करते हो, अगर उसने उसने आपको देख लिया, अगर वो चीज वाकई में गलत हुई और आपको देख लिया, तो आपका पल्ला नहीं छोड़ सकती। ऐसे मत बोलो, बढ़िया नहीं घर साहब, ये मतलब मैंने जो प्लान करा सही करा ना आपके हिसाब से? अच्छा मैं समझ गया, 365 लोग रहते हैं जिसमें से ये जो कपल है ये अपार्टमेंट में अपनी गर्लफ्रेंड को पीठ पे लेके घूमता है विक्रम बेताल की तरह। नींबू लेकर? तो एक काम करो, मेरा हो गया मूड खराब, मेरी बात सुनो, आप ऊपर लठ लेकर आओ, टाइम तो होने वाला है 10-15 मिनट में। एक काम करो, मैं अपने उसको क्या नाम है देवा को रखता हूँ अंदर, अपनी बीवी के साथ आता हूँ मैं, उसकी कार्रवाई करता हूँ, स्टूल मार के उसके मुंह में। मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे से फालतू बात तो करना मत। क्या कह रहे हो, क्या 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 लेकर आओगे? हाँ सीढ़ी और डंडा ले आओ आप, बाकी मैं देखता हूँ, रुक जाओ अभी आपको करता हूँ, रुको आप अभी, मेरे को आइडिया भी, एक मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, रुको मेरी बात सुन बढ़िया, अब मेरा मेरा सपोर्ट दीजिए, गार्ड लो सुन मेरी बात, वो लठ लेके आ रहा, सीढ़ी लेकर आ रहा है, यहाँ से उठा तू उतर, मेरी कसम मेरी बात सुन, मेरे ऊपर रिस्क है। क्या रिस्क है तेरे ऊपर, मतलब कैसे रिस्क है, मतलब कैसे कह रही तू? देखिए देखो, ये तुम्हारे इसके इनके ऊपर रिस्क नहीं है, ये रिस्क तुम्हारे ऊपर है, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हें इतना ही नहीं पता यार, मतलब गार्ड पागल है बेटा? गार्ड नहीं, गार्ड वो भी है, वो देखा जाए तो वो भी अपना अपनी गलत चीज कर रहा है, क्योंकि ऐसे इन चीजों को छेड़ना तो अपनी मुसीबत को जड़ लेना वाली बात हो जाती है इंसान को, अगर वो मुसीबत पड़ जाए तो बड़ी लंबी चौड़ी पड़ जाती है भाई। बेटा एक बात बोलूं, मैं जिनको मानता हूं ना, रेगुलर को फोन लगाता हूं, रुक जा अभी देख, मैं जिनको मानता हूं, एक मिनट रुक जा। आप बोल बोल, तू बोल क्या कर रहा था आप ये? अरे बेटा मैं ऐसे बाबा को जानता हूं, मैं उनका एक ऐसा मंत्र मारूंगा, उसको ना अपनी अपनी जो जिसको पीठ पे लेके घूम रहा है वो पीठ से नीचे फेंक देगा, और बता और वो करेगा तो पीठ पे क्यों लेके घूमने वाली है? बता दिया कह रहा है कि ये वो कपल है जो आज तक जिंदगी में कहीं घूम नहीं पाया था, इनके माँ बाप ने इनको बंद करके रखा हुआ था, जब इनकी इन्होंने जब ये माँ बाप को छोड़ के आए बिहार से, तो इन्होंने जबरन शादी कर ली, तो अब ये खुशी मनाते हैं आपको पीठ पे लेके घूमता अपनी बंदी को। चलो ठीक है, आज का तुम मैटर सॉल्व कर लोगे, कल क्या करोगे? कल क्या करेंगे, आज आज फूल मार रहे हैं, कल बैट उठा के मार देंगे उसको, और बता। अच्छा हाँ सही बात बोल रहे हो आप, फिर भी चीज पे बहस मैं नहीं कर सकता आपके साथ। चल कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तू मेरे साथ नहीं, मैं इसलिए बहस नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस चीज को कभी गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं गलत बोलूं या मैं गलत उसके साथ करूं तो भाई मैं अपने सिर को मुसीबत नहीं ले सकता ऐसे, क्योंकि भाई मैं स्कूल से हमला करूंगा, अगर तू मेरे साथ दे रही तो बता दे, नहीं तो है नहीं तेरी साथ से, कोई बात नहीं मैं कर लूंगा, मैंने जो करना होगा मेरे को, ठीक है ना? गार्ड साहब मेरे तो कुछ दोस्त है, उनको वो परमिशन है अंदर सोसाइटी माने कि मैं 15-20 बंदे बुला लूं, क्योंकि मेरे पास सुनो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास मेरा ना ग्रुप बना हुआ है, मेरा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें 300 बंदे ऐड है, अगर मैं एक मैसेज डालूंगा ना कि मेरे यहाँ पर अपार्टमेंट में एक आदमी अपनी औरत को पीठ पे लेके घूमता है, तो 300 बंदे तुरंत आ जाएंगे उसको लपेटने के लिए, जल्दी बताओ क्या करना है। अरे आप बैठे को, मेरे मेरे मेरा साला पता क्या कह रहा है, मेरा साला कह रहा है कि हम दोनों कुछ नहीं कर सकते, हम दोनों फेल है, मेरे दोस्ती काम आएंगे इसके अंदर। हाँ सोसाइटी में मैसेज डाल दूं मैं? अरे यार तुम तो कमाल कर रहे हो यार, गेट हाँ समझ गया आपका मैटर, में ये क्या नाम है, मेरी वाइफ अगर मैं जैसे मैं स्टूल आगे से मारूं, मेरी वाइफ पीछे से स्टूल मारे तो सही रहेगा? समझ गया आपका मैटर, ठीक है डन है, मैं काम करता हूँ, मेरे 300 मेरे पास लड़के हैं इस टाइम जो एक्टिव है, मेरे एक मैसेज पे आ जाएंगे। हाँ हो जाए ठीक है, एक भाई सोसाइटी में आना पड़ेगा, अर्जेंट काम पड़ गया है, और क्या नाम है अभी पूरे 15 मिनट बाद ना एक बंदा अपनी औरत को पीठ पर लेकर आता है और मेरा मेरे गेट के पास स्टैंड अप करता है एक तरीके से, तो उसको लपेटना है। अरे क्या कर रहे हो हरकतें यार, ठीक एक सेकंड, हाँ ठीक है
और अभी ना सारे की जितने भी तुम लोग एक साथ एंट्री करो बुलेट पे, ट्रक पे, टेम्पो पे, सब आओ, क्योंकि अभी ना मेरे को मेरे इज्जत की बात आ गई। मेरे घर में जब मेरा भाई आया ना, मेरा साला, उसने बोला कि ये चीज हम कर नहीं सकते आसानी से, तो तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें मेरे सर की पसंद, कोई बात नहीं, डाल दिया। अब मैं बताता हूँ तुम्हारी जाल पकड़ ली मैंने, अब तुम मानो या ना मानो। क्या मतलब? मैंने प्रैंक देखा, पकड़ने वाला बंदा पकड़ सकता है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, मैं यही तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने तभी तक थोड़ा बहुत डरा नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था ये काम होगा। मैं वॉइस नोट डाल रहा था, वो कहाँ जा रहे थे दोस्तों? एक्चुअली क्या, मैं वॉइस नोट डाल रहा था, बीवी को डाल रहा था, और मुझे पता था कि आप जब यहाँ पर मैं डाल रहा था अपनी बीवी को, ये जो मैंने वॉइस नोट डाला ना, अपनी बीवी को डाला था। देखो मुझे पता है, मेरे से गलती क्या हो गई, बीवी का फोन पड़ा था पीछे। कहते कोई ना कोई, और इतना तेज दिमाग का बच्चा है ये, इतना तेज दिमाग का बच्चा, ये टोन सुन रहा था।